हूँ, तो कैसे हैं आप सर? पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेवलिंग वेव क्या होती है। क्या होती है ट्रेवलिंग वेव? क्या होती है? यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई एक इंसान है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, किसी एक रस्सी को मैंने बांध दिया है, किसी एक कार से मैंने बांध दिया है। तो एक स्ट्रेट वायर है, इसमें अभी कोई वेव फॉर्म नहीं हो रही है, और वेव क्या कह सकते हैं, ट्रेवल नहीं हो रही कोई वेव, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लिया। अब क्या हुआ, इस लड़की ने क्या किया, अब ऐसे 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 ऊपर नीचे करता गया, किसको, रस्सी को, ऊपर नीचे रोप को करता गया। इससे क्या हुआ, इसमें कुछ वेव फॉर्म हो गई, वेव फॉर्म हो गई, हाँ कि ना, कुछ ऐसे 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 क्या होने लगा, रोप लहराने लगी, हाँ कि ना। तो देखिए, इसमें कुछ ऐसे 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 कर्व जैसा बन रहा है ना, हाँ कि ना। तो यही क्या हो रही है, वेव क्या हो रही है, वेव बन रही है। इसी को क्या कहा गया, ट्रेवलिंग वेव। समझ में आ गई? अब देखिए बच्चों, यहां पे अगर इंसान यहां पे खड़ा हुआ है, तो अगर मैं कहूं कि इसमें ऑसिलेट क्या कर रहा है, इस वेव में ऑसिलेट क्या कर रहा है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर नीचे हो रही है। क्या यहां पे जो हर एक पार्टिकल है, अगर मैं इस रोप का कोई पार्टिकल ले लेता हूं, ए पार्टिकल, तो क्या ये ए पार्टिकल यहां से लेके यहां तक जा रहा है, यहां से लेके यहां तक जा रहा है? नहीं। ये अगर ए पार्टिकल है, मान लेते यही जो ए पार्टिकल था, वो क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहा है, ये अपनी ही जगह पे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अगर वेव है, तो वेव के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी ही पोजीशन पे। समझ में आया, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, इसी को ही समझते हैं। यहां पे आप एक चीज देखिए, जो ट्रेवलिंग क्या होती है, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव होती है, जो स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव होती है, उसका फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। अब ओमेगा ये है, यहां पे ओमेगा क्या है, के क्या है, यह भी समझते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ के रखा है वेव लेंथ क्या होती है, कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट, हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं। और ये भी कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वेव लेंथ होती है। अगर मैं क्रिस्ट की बात करूं, तो ये हो गया, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। समझ में आया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब वेव नंबर क्या होता है, कितने नंबर ऑफ वेव बनी, उसको कहा गया के, और इसको फाइंड करने का तरीका है 2 बाई 2 पाई लैम्डा। समझ में आया कि नहीं, ये वेव नंबर हो गया। अब पूछता है टाइम पीरियड क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं टाइम पीरियड क्या है, टी है, क्या है, टी है। और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, मतलब 1/T, ठीक है, तो 1/T लिख दिया गया। समझ में आया कि नहीं। अब कहा गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यही होती है हमारी ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये सब आपने 11th में पढ़ के रखा है अच्छे से, कि ये क्या है, 2 पाई f होती है, f क्या होगा, 1/T हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसी से ही हम लोग निकालेंगे क्या, स्पीड निकालेंगे किसी ट्रेवलिंग वेव की। तो ये देखिए, अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे जो कि 2 पाई f होती है, k की वैल्यू रख देंगे 2 पाई लैम्डा, यहां से 2 पाई 2 पाई कट जाएगा, आएगा क्या, फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा, हाँ कि ना, फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा आएगी कि नहीं, ये ऐसे रहेगा, देखो ये हो जाएगा 2 पाई f, हाँ कि ना, और ये डिवाइड में है तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2, ये क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा इंटू f हो जाएगा, f बाई लैम्डा नहीं, लैम्डा इंटू f हो जाएगा। तो v क्या है, स्पीड किसकी, ट्रेवलिंग वेव की, तो ट्रेवलिंग वेव की स्पीड क्या हो गई, f लैम्डा कहिए या लैम्डा इंटू f कहिए, तो दोनों सेम है। तो आपको समझ में आया ना ट्रेवलिंग वेव क्या होती है, हाँ कि ना। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन कुछ।
हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है, मतलब इक्वेशन जो वेव बन रही थी उसकी इक्वेशन क्या होती है, या तो सीधे सीधे हम लोग कहें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। यहां पे डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कौन जा रहा है, पार्टिकल ही तो है। हमने एक वेव, हमने क्या लिया था, एक रोप लिया था, एक बच्चा था वो खड़ा था, हाँ कि ना, वो रोप लिया हुआ था, उस रोप के जो पार्टिकल थे, मान लेते हैं ये जो पार्टिकल है x1 x2 x3 यही तो ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, इसी पार्टिकल की हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, और वही इक्वेशन क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ वेव कहलाएगी। वही डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल का, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ही यहां पे कहला रहा है रोप के लिए, क्या इक्वेशन ऑफ वेव, समझ में आया कि नहीं, यही होगी क्या हमारी इक्वेशन ऑफ वेव। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। हमने कहा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल जो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, हाँ कि ना, अपनी पोजीशन से ऊपर जा रहा है, कुछ कि हर हर जगह के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसको कहूं तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कुछ इतना है, x1 के लिए कहूं तो इसके लिए कुछ इतना है, x2 के लिए कहूं तो कुछ इतना है, x3 के लिए ये इतना है, इसके लिए इसका, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, तो अलग अलग पार्टिकल के लिए, मतलब अलग अलग, अगर मैं x x x x x की डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा हूं बढ़ता जा रहा हूं बढ़ता जा रहा हूं, तो डिफरेंट डिफरेंट x की पोजीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या मिल रहा है हमें, y की वैल्यू मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। अब हमें पता है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा a, वही हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है, मान लेते हैं ये कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ, इतना इतना एम्पलीट्यूड हुआ, ये भी यहां का पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस करेगा, इतना, तो ये क्या हुआ हमारा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ, समझ में आया कि नहीं, ये क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड ही तो है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमें क्या मिला, डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू है तो उनके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रहा है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ कि ना, जितनी दूर तक ये जा रहा है वो क्या हो रहा है, y ही तो है, हाँ कि ना, डिस्प्लेस हो रहा है, हाँ कि ना, तो डिफरेंट डिफरेंट x के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यू मिल रही है, हाँ कि ना, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि डिपेंडेंसी है कि नहीं, कि तो हम लोग क्या कह सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, हाँ कि ना, हाँ कि ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट x के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, समझ में आएगी नहीं। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं जो y की जो वैल्यू है, हाँ कि ना, वो समय के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, समय के साथ साथ चेंज हो रही है, मतलब क्या बच्चों कि अगर देखिए समय के साथ साथ चेंज हो रही है, अगर ये पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, कुछ समय के, जैसे ही मैंने इसे ऊपर किया तो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर तो समय के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, 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 फिर ऊपर जाते 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 कुछ समय पे धीरे 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 टाइम के साथ साथ ये क्या जा रहा है, ऊपर 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 जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि वाई जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कर रहा है, विद टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, इंक्रीज करेगा जब ऊपर जाएगा, हाँ कि ना, डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जब वो नीचे आएगा विद टाइम। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो वाई है वो डिपेंड कर रहा है क्या, टाइम पे भी, मतलब वाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो, हाँ कि ना, तो इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है, कंबाइन कर दीजिए इन दोनों को, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो y है, क्या है, जो y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है इज अ फंक्शन ऑफ क्या, x भी है साथ ही साथ टाइम का भी है फंक्शन, हाँ कि ना, मतलब x पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, हाँ कि ना। अब देखिए ये जो वेव है ये साइनोसोइडल है, हाँ कि ना, क्या है, वेव साइनोसोइडल है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये वेव जो है, अरे जो साइन का जो वेव बनता है वही है और कुछ नहीं, समझ में आ रहा है, जो साइन का वेव बनता है वही ये वेव बन रहा है, हाँ कि ना, हर सब क्या कर रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना, वेव का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, सेम सेम बन रहा है कि नहीं, रिपीटेड टर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं, ऐसे बना एक, ऐसे बना एक, तो मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, 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 तो वही साइन का कर्व है, हाँ कि ना, साइन का कर्व ऐसे बनता है तो वही कहा गया साइनोसोइडल, हाँ कि ना, तो ये वेव क्या बन रहा है, कुछ साइनोसोइडल बन रहा है, हाँ कि ना, तो हम लोगों को पता है साइनोसोइडल को कैसे लिखा जाता है, जो वेव होती है साइन का, देखिए वाई क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, या तो इक्वेशन ऑफ वेव कह सकते हैं, y इज ए साइन, अब यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स,
ठीक है, ये लिख दीजिए, या kx प्लस माइनस ओमेगा टी कुछ नहीं है, सेम है, ठीक है, सेम है, समझ में आ रहा ना, दोनों क्या है, सेम है, समझ में आ, तो इक्वेशन चाहे आप ऐसे लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ वाई, समझ में आया कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये इक्वेशन ऑफ वेव कहिए, समझ में आया कि नहीं, ये ऐसे लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब यहां पे समझने वाली बात ये है बच्चों कि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल या फिर जो वेव है वो मूव कहां कर रही है, ठीक है, वो ट्रेवल कहां कर रही है, वो कैसे पता चलेगा इस इक्वेशन से। अगर बच्चों यहां पे पॉजिटिव है, क्या है, अगर यहां पे साइन पॉजिटिव है तो वेव ट्रेवल करेगी कहां, नेगेटिव डायरेक्शन में, दिमाग में डाल लीजिए कि रिवर्स हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये आपको पता चलेगा जब आप इसकी डेरिवेशन करेंगे, इलेवेंथ में था, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डेरिवेशन करूं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आराम से इसकी डेरिवेशन करा दूंगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहां पे देखिए बच्चों, ये जो क्या है, पॉजिटिव है, अगर यहां पे पॉजिटिव होगा तो वेव ट्रेवल करेगी नेगेटिव एक्स में, अगर नेगेटिव होगा तो वेव ट्रेवल करेगी क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, हाँ कि ना, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में करेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। इन दो पॉइंट को आप अच्छे से लर्न करिए, आराम से दिमाग में डाल लीजिए कि अगर पॉजिटिव है इन दोनों के बीच में तो वेव ट्रेवल करेगी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, और अगर नेगेटिव है तो वेव ट्रेवल करेगी कहां, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, हाँ कि ना, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखिए बच्चों, यहां पे x है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेव है वो x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, समझ में आया कि नहीं। अगर यहां पे y होता तो इसका मतलब जो वेव है वो y डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, समझ में आया कि नहीं। ये दिखाता है कि किस डायरेक्शन में, किस एक्सेस पे क्या हो रही है, वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये x में ट्रेवल कर रही है, हाँ कि ना, अगर y होता तो y में ट्रेवल करती, समझ में आया कि नहीं। इसे अच्छे से नोट करिए अब आप इन सब पॉइंटों को। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल नेचर अगर शो करता है कोई वेव तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का हमारा इक्वेशन क्या होता है, समझ में आया, जो हम लोगों ने कैसे निकाला था, ऐसे निकाला था, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, ये हम बता चुके हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं हाँ ये इक्वेशन ऑफ वेव है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, फॉर्म कर रहा था कोई वेव। बट बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है बच्चों, उसमें कोई पार्टिकल तो होता नहीं, पार्टिकल नहीं होता तो ऑसिलेट क्या करता है, ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे। ग्राफ देखिए बच्चों, कुछ साइनोसॉइडल लग रहा है, हाँ कि ना, ऐसे 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 ऐसे, हाँ कि ना, हो रहा है कि नहीं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ रहा है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। ये जो मैक्सिमम है, जितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है ई नॉट, इतनी पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कहा जाता है, समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। यहां पर देखिए, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैंने कुछ लिखा है, इन ई एम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट, सो वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ कि ना, वो क्या कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, हाँ कि ना, टाइम पे डिपेंड कर रही है, हाँ कि ना, अलग अलग टाइम पे, हाँ कि ना, अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स कह रहे हैं, अलग अलग टाइम पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स नहीं है यहाँ पे, अलग अलग टाइम पे क्या हो रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका, देखिए उसकी वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, हाँ कि ना, यहां पे कुछ है, 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 ऐसे ही क्या हो रहा था हमारा, कुछ पार्टिकल में भी हो रहा था, हाँ कि ना। तो हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हाँ कि ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, और टाइम, एक्स मतलब क्या, यहां पे जो डिस्टेंस है, आगे ना, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस का क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस की क्या आ रही है, वैल्यूज अलग अलग आएगी, हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं। और एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल एज एक्स ऑल्सो, समझ में आया कि नहीं। तो अब देखिए, जैसे हम लोग यहां पे कर रहे थे वैसे ही हम लोग यहां पे करेंगे, ठीक है। तो E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, के यहां क्या है, ओमेगा क्या है, सब मैंने बताया था,
समझ में आया कि नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसे ऐसे पढ़ दे। यहां पे मैंने एक चीज बताई थी, यहां पे जो माइनस और प्लस जो होता है वो क्या दिखाता है, अगर माइनस है तो वो शो कर रहा है कि जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, रिवर्स है, और अगर प्लस है तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे प्रोपोगेशन जो होगा वो क्या होगा एक्स, यहां पे एक्स है तो प्रोपोगेशन हो रहा है एक्स में, समझ में आ रहा है, वाई होता तो वाई पे होता, जेड होता तो जेड में होता, और कोई तो होती नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीज हो गई। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, शो दैट द वेव ट्रेवलिंग इन, ये नहीं, ये चीज तो हम बता चुके हैं अब आपको, अब देखते हैं इसको और एडवांस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग k की w की सबकी वैल्यू यहां पे हमने लिख के रखी है, k की वैल्यू ये होती है और ओमेगा की वैल्यू क्या होता है 2 पाई f होती है, f 1 अपॉन t होता है, ठीक है। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, उठा के यहां पे रख देंगे, तो ये हमने यहां पे रखी, इसको यहां पे रखा, अब क्या किया 2 पाई 2 पाई को कॉमन ले लिया, हां कि ना, निकाल लिया, तो x / लैम्डा बचा, हाँ कि ना, टी बाई कैपिटल टी, समझ में आ रहा है। अब क्या किया यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वन अपॉन टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, वन अपॉन टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, तो वन अपॉन टी को क्या कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ये सब लर्न नहीं करना, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इस फॉर्म में तो आप चेंज ही कर सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऐसे रख दीजिएगा, समझ में आ रहा, बस इतना याद रखिए, समझ में आएगी। तो ये होगी हमारी क्या इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया कि नहीं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की देखेंगे, इसे अच्छे से लिखिए पहले अब आप। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्या कि इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वैसे यहां पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की होगी, समझ में आया। सिमिलरली ये चीज मैंने लिखी थी कि बी डिपेंड करेगा एक्स और टी पे, हाँ कि ना, बी की क्या हो जाएगा बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, हाँ कि ना, बी इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो ग्राफ होगा वो भी ऐसे ही बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको जैसे हमने सॉल्व किया था कि नहीं, नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या शो करेगा कि जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है कहाँ पे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ट्रेवल मतलब प्रोपोगेशन जो हो रहा है इसका, के की वैल्यू ये थी, ओमेगा की वैल्यू ये थी, सबको यहाँ पे पुट करेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको याद क्या करना है, सिर्फ ये चीज याद क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की याद है, मैग्नेटिक फील्ड की में बी रख दीजिए, ई नॉट की जगह बी नॉट, बी की जगह बी, ई की जगह बी, समझ में आया। अब आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि जो फेज डिफरेंस होता है, या कहिए सीधा कि ई का और बी का, मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फेज होता है, फेज क्या है, ये जो अंदर लिखा हुआ है साइन के अंदर, वो क्या होता है सेम होता है, क्या होता है सेम होता है, समझ में आएगी। फेज जो अंदर लिखा होगा ये चीज और इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो मैग्नेटिक फील्ड में, वो दोनों क्या होगा सेम होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा वही क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब बच्चों यहां पर एक चीज मैं बताता हूं आपको, यहां पे जो x है वो क्या दिखा रहा है कि वेव की जो प्रोपोगेशन है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पे बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रोपोगेशन है, मतलब जो ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, वो कहां है x डायरेक्शन में कर रहा है, और नेगेटिव है तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है। बट अगर यहां पर, अगर मान लो अगर यहां पर कोई k होता, k कैप होता, k कैप लगा है, तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस एक्सेस में है, दिखा रहा है कि के का मतलब क्या होगा जेड एक्सेस, मतलब है किसमें जेड एक्सेस में है, बट ट्रेवल किसमें कर रही है, ट्रेवल किसमें कर रही है किसमें जेड एक्सेस में है, हाँ कि ना, जेड एक्सेस में है बट ट्रेवल किस तरफ कर रही है, ट्रेवल किस तरफ कर रही है एक्स डायरेक्शन में, समझ में आ रहा। अगर यहां पे ये ना होता, यहां पे अगर मान लेते हैं यहां पे है जे कैप है, क्या है जे कैप है, मतलब ये क्या हुआ वाई डायरेक्शन, मतलब वाई इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोपोगेट किस तरफ कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, हाँ कि ना, ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, बट है किसमें, है किसमें, है किसमें, है किसमें, बताओ, ये है वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वाई डायरेक्शन कह रहे हैं, y एक्सेस में, किसमें है y एक्सेस में, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, समझ में आया, ये कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया जाता है, समझ में आया कि नहीं, इतना इसे अच्छे से नोट करिए। तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है सेम फेज होता है, इसका मतलब अच्छे से एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है E = E0 sin 0.9 x,
नेगेटिव 1.5 इंटू 10 दी पावर 4 टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है मान लेते हैं, मतलब 5, ठीक है मान लेते हैं, ठीक है। तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, कैसे होगी, ये क्या हो जाएगा, E नॉट था, ये B नॉट साइन। अब आप याद रखिए यही जो होगा यही पे छाप देंगे आप, क्यों, क्योंकि सेम फेज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, सेम फेज होता है, तो इसी को सीधे सीधे आप क्या करेंगे, सीधे सीधे यही पे छाप देंगे, लिख दें 0.9x माइनस 1.5 इंटू 10 दी पावर 4 टी प्लस पाई बाई 2, सीधा सीधा ये चीज हो जाएगा। मतलब यही चीज मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फेज होगा वही मैग्नेटिक फील्ड में होगा, या फिर कह लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड में होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड में फेज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब यहां पे कुछ चीज पढ़ते हैं, वो क्या है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि E नॉट होता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि B होता है, क्या होता है, B नॉट होता है। मैक्सवेल जी ने देखा क्या, उन्होंने बताया कि अगर हम लोग रेशियो कर दें E नॉट और B नॉट का, तो हमें इस स्पीड ऑफ लाइट मिल जाती है, क्या मिल जाती है, स्पीड ऑफ लाइट। उन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कर दीजिए, किसने कहा, मैक्स जी ने, क्या कहा, मैक्सवेल जी ने कहा क्या कि हमें क्या मिल जाता है, स्पीड ऑफ लाइट मिल जाती है। इसको अपने दिमाग में रख लीजिए, समझ में आएगी। अब देखिए यहां पे एक और चीज हमें देखनी है कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करेगी, परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब क्या कि मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ना कि उसकी डेंसिटी, डेंसिटी कितना घना हुआ है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा ना, तो ये चीज लिखिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स ऑन परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिएबिलिटी क्या दिखा रहा है, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, परमिटिविटी क्या बताएगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ एनी मीडियम, नॉट ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी पे नहीं, समझ में आएगी नहीं। तो देखिए इन्होंने कैसे लिखा, इन एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम में कह लीजिए कि क्या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इन्होंने कहा स्पीड ऑफ लाइट मतलब सी इज इक्वल टू 1/√ परमिएबिलिटी, किसमें, एयर वैक्यूम फ्री स्पेस अपॉन परमिटिविटी अंडर द रूट। समझ में आएगी नहीं, ये किसके लिए है, एयर फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए, समझ में आएगी नहीं। और इन्होंने कहा किसी और मीडियम के लिए, कोई भी ले लीजिए आप, उसके लिए क्या होगा, इन एनी अदर मीडियम, उसके लिए क्या हो जाएगा, यही म्यू नॉट ई नॉट एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा, किसमें, किसमें चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एम में चेंज हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, नॉट नॉट जो है वो हट जाएगा एम, और एम से मीडियम। समझ में आ रहा ना। अब देखिए आप पढ़ के रखे होंगे रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस वैक्यूम, हाँ कि ना। तो ये होता है हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। इसी तरह हमारा होता है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, वही हमें क्या देता है, परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ, बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी देता है, क्या देता है, रिलेटिव परमिटिविटी देता है, जब हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। समझ में आया, यही से हम लोग निकाल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और यहां से निकाल सकते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, हाँ कि ना। इन वैल्यूज को उठा के यहां पे पुट कर सकते हैं, अगर आपको ये दोनों रिलेटिव परमिएबिलिटी दी है और परमिटिविटी ऑफ एनी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या फिर एयर दी गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज आपको समझ में आया। अब ये चीज याद रखिएगा बच्चा कि ये जो ये पोर्शन होता है, जब हम लोग कैपेसिटर वैपेसिटर पढ़ते हैं तब यही रिलेटिव परमिटिविटी क्या क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये चीज अपना दिमाग में डाल लीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है, मतलब लाइट की स्पीड होती है, वो डेंसिटी पे नहीं, किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है। लिखिए इसे अच्छे से आप।